चांदीपुरा वायरस जो आजकल बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें एनकेफेलाइटिस की वजह से कन्वर्जन आते हैं, उसके अलावा हाई ग्रेड फीवर आता है और डायरिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है और कुछ केसेस में बच्चे अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, डॉक्टर्स उसकी आजकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने घर में मक्खी और मच्छर ज़्यादा ना हो, उसके लिए घर का हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। बच्चों को रात को सुलाएं तो मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरदानी के अंदर उनको सुलाएं। तीसरा, आपके घर के आसपास जो है वो क्लीनलीनेस को मेंटेन करें। अपने बच्चों को जब आप स्कूल में या बाहर भेजें तो उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और जो पार्ट उनके ओपन रहते हैं उन पार्ट्स में नीम का तेल अप्लाई करें, जिसकी वजह से फ्लाइज और मच्छर उनके करीब नहीं आते हैं। उसके अलावा एक घरेलू इम्यूनिटी बूस्टर तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ी सी सूंठ, गुड़ और गाय का घी, इसको मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोली बना देनी है और अपने बच्चों को सुबह शाम एक एक गोली दीजिए। तो इतना करने से आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे।